हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्टूडेंट्स और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और आपके अंडरस्टैंडिंग को भी ये अपडेट करेगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए। तो चलिए समझते हैं कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो कैसे वर्क करता है। बहुत ही अच्छा मैंने यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ किया है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बहुत सिंपलेस्ट पिक्चर बनाने की कोशिश करी है ताकि हमारे सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही इजीली समझ में आ जाए। इस तरीके का पिक्चर आपको नॉर्मली बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा। मैंने इसको ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में बनाया हुआ है। आप सभी को पता है कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? आई थिंक सभी का आंसर होगा 4। तो जब हमारे 4 चैम्बर्स ह्यूमन हार्ट में प्रेजेंट है तो बात अगली आती है कि वो चैम्बर्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बता दूं, उन चैम्बर्स का नाम है राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और एक चीज मैं और स्पेसिफाई करना चाहूंगी आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स, कि जो ओरिकल वर्ड है और जो एट्रियम है, बोथ वर्ड्स आर सिमिलर। आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो आप देख रहे हैं जो बॉडी का राइट साइड का जो अपर पार्ट है दैट इज कॉल्ड राइट ओरिकल, और ये जो बिलो वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल। इस पिक्चर को मैंने पहले से इसलिए ड्रॉ कर लिया ताकि मैं कम टाइम लेकर आपको एक्सप्लेन कर सकूं, वरना हमारे वीडियो की जो टाइम लेंथ है वो बढ़ जाती। तो मैंने कोशिश करी कि मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको कॉन्सेप्ट को दे दूं और आपको इंटरेस्टिंग वे में समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। और स्टूडेंट्स, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपका जो क्वेरी है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। तो चलिए आगे समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स लंग्स से। अगर हम लोग लंग्स की बात करें तो लंग्स के पास कैसा ब्लड है स्टूडेंट्स? लंग्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना। पहला पॉइंट तो आपको ये रिमेम्बर करना पड़ेगा। तो जो लंग्स ने कैसा ब्लड दिया हम लोगों को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया। तो मैं यहाँ पे नंबर 1 स्टेप लिखने वाली हूँ, लंग्स ने हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड करा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट्स? लेफ्ट ओरिकल। आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझना होगा, बहुत ही फोकस करने वाला ये पॉइंट है कि सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर जाएगा? लेफ्ट ओरिकल में। और कौन लेकर जाने वाला है? पल्मोनरी वेन। मैं यहाँ पे इस पॉइंट को हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए कि ये जो पल्मोनरी वेन है ये लेकर जाने वाली है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ओरिकल। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा कंसेप्ट क्या है? आगे का कंसेप्ट ये है कि जो लेफ्ट ओरिकल में ब्लड अब पहुंच चुका है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब इसको हमें लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचाना है। उसके लिए हमारे पास एक वॉल्व है और उसका नाम स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे 2 कस्प प्रेजेंट है, 2 फ्लैप्स हैं इसमें, इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने बाइकस्पिड रखा है। और इसका एक और नाम स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, दिस इज कॉल्ड एज मिट्रल वॉल्व। ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड है, लेफ्ट ओरिकल से चल के इसको लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना है। रास्ता बीच में कौन है? बाइकस्पिड वॉल्व है स्टूडेंट्स, और इसको हम लोग मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेम फॉर्म में लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाते ही यहाँ पे एक टर्म मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एओर्टा। एओर्टा को आप लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इज मेन आर्टरी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं एग्जाम में कि राइट द नेम ऑफ मेन आर्टरी, तो आपको आंसर देना होगा एओर्टा। एओर्टा मेन आर्टरी का नाम है और ये कैसा ब्लड रिसीव कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रही है। कहां से कर रही है स्टूडेंट्स? लेफ्ट वेंट्रिकल्स। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। जब एओर्टा ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करा, अब एओर्टा क्या करने वाली है? एओर्टा का काम है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को 2 पार्ट में इसको पहुंचाना होगा। एक तो ये हमारी बॉडी पार्ट्स में पहुंचाएगी। बॉडी पार्ट्स में बात आती है कि इंफीरियर पार्ट्स में पहुंचाएगी या सुपीरियर। अगर ये हेड रीजन में पहुंचा रही है तो हम लोग उसको बोल देते हैं सुपीरियर वेना कावा। और जो हमारे नीचे के सपोज एब्डोमेन रीजन है, इंटेस्टाइनल रीजन है, वहां पे अगर ब्लड को सप्लाई कर रही है उस रीजन को हम लोग बोलेंगे इंफीरियर वेना कावा के थ्रू जा रहा है। और वेना कावा हम मेन वेन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे एओर्टा ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में पहुंचाया
और बॉडी पार्ट्स ने सारा ऑक्सीजन को कंज्यूम करा है स्टूडेंट्स, और जैसे ही उसने ब्लड ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया, ब्लड हमारा कैसा हो गया, डी ऑक्सीजनेटेड। इस पॉइंट को आपको मेमोराइज करना होगा यहाँ पर कि बॉडी पार्ट्स ने ऑक्सीजन को कंज्यूम करा और ब्लड को कैसा बना दिया, डी ऑक्सीजनेटेड। अब ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाना है राइट ऑरिकल में, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एरो बनाया हुआ है इस ब्लॉक डायग्राम में, ये राइट ऑरिकल में जाएगा और यहाँ पे ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेम फॉर्म में, यहाँ पे मैंने टीवी लिखा है तो मैं आपको टीवी को यहाँ पे क्लियर कर दूंगी। टीवी का मतलब यहाँ पर है ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पे एक वॉल्व है, वॉल्व का सिंपल स्टूडेंट्स पर्पस क्या होता है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व का काम यही है कि ये यूनिडायरेक्शनल ब्लड को फ्लो करेगी। सपोज ऑरिकल से वेंट्रिकल में तो ब्लड आ जाएगा लेकिन वेंट्रिकल से वापस ऑरिकल में नहीं जा पाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं जो वॉल्व होती है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को प्रमोट करती है। उसी तरह यहाँ पे भी सेम कंडीशन थी बाइकस्पिड वॉल्व में। अब क्या होगा कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल से वाया ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू होते हुए पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पर लेके जाएगी स्टूडेंट्स, वापस इसको लेकर जाना है लंग्स। और हमारा पर्पस क्या है, मैंने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, आपको इस पॉइंट पे फोकस करना है फिर से, यहाँ पर इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में कि ये पर्पस लंग्स में जाने का है रीऑक्सीजनेशन, क्योंकि हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड हो गया और हमारा पर्पस अब है कि हम उसको वापस से ऑक्सीजनेटेड बनाएं, तो हमें रीऑक्सीजनेटेड पर्पस के लिए हमें वापस लंग्स में भेजना होगा, उसके लिए हमें मदद लेनी होगी स्टूडेंट्स पल्मोनरी आर्टरी की। और मैं आपको ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी कि जो एट्रिया और एट्रियम वर्ड है, या एट्रिया और जो हम लोग एट्रियम, मैंने यहाँ कहीं कहीं पे ऑरिकल लिख दिया है, तो वो दोनों वर्ड सेम है। देखिए एट्रियम एक है, सिंगुलर है, और एट्रिया इज प्लूरल, और ऑरिकल और एट्रियम दे बोथ आर सेम। आई थिंक इट इज क्लियर एट दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स कि एट्रिया की बात अगर करें तो एट्रिया हमेशा ब्लड को रिसीव करेगी, कभी भी ये गिव्स आउट ब्लड नहीं करेगी। एट्रिया ऑरिकल्स वो है जो ब्लड को रिसीव करती हैं और वेंट्रिकल्स वो है जो ब्लड को बाहर देंगी, इट गिव्स आउट ब्लड। अब बात आती है जो हम लोगों ने यहाँ पे वेन्स और आर्टरीज वर्ड यूज करा हुआ है, इसका क्या पर्पज है, तो चलिए इसको भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आर्टरीज का जो काम होता है वो काम है कि वो ब्लड को हार्ट से लेकर जाती हैं, अवे फ्रॉम हार्ट, आप ऐसा कह सकते हैं, दे विल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, और वेन्स कैरीज ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, हार्ट के पास ब्लड लेकर आएंगी कौन, वेन्स। तभी मैंने यहाँ पे वेन लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम होगा, ये ब्लड को हार्ट से लेकर जाएंगी, और जितनी भी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, आप यहाँ देख रहे हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है। और मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे डेप्थ में नहीं जाना चाहूंगी स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है आर्टरीज वेन्स पर, तो आप चाहें अगर आर्टरीज और वेन्स का कंसेप्ट आपको क्लियर करना है तो आप वो वीडियो पे देख सकते हैं। और बात हमारी ये है कि हमारा जो ह्यूमन ब्लड का सर्कुलेशन है वो दो तरीके से हो रहा है, एक स्पेशली लंग्स के लिए, हार्ट टू लंग्स और हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, तो इसलिए हम लोगों ने इसको डबल सर्कुलेशन बोला था, विच कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो वो वीडियो भी मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, मैंने अपलोड किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप चाहें तो डबल सर्कुलेशन वाला वीडियो भी देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट था इसीलिए मैंने एट लास्ट डाला है इस वीडियो को, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, और नॉर्मली ये पिक्चर आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स दिए होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स नॉर्मली चीजों को समझ नहीं पाते हैं, तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में भी आएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें, डोंट फील हेजिटेट टू राइट योर क्वेरीज, यू कैन राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। सो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।